प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। आज का आपका दिन बहुत अच्छा रहे और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा और दया हर दिन नया होता है, हर भोर को, हर सुबह को। वो नया अनुग्रह, नया करुणा और दया आपका जीवन में आज के लिए होते रहे, हर दिन होते रहे। Colossians 4:12, कुलोसिंग पत्र 4:12, एपफ्रास की प्रार्थना, द प्रेयर ऑफ एपफ्रास। एपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार करता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। एपफ्रास, हु इज वन ऑफ यू एंड ए बॉन्ड सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट जीसस, सेंड्स यू ग्रीटिंग्स। He is always striving for you in his prayers, praying with genuine concern that you may stand firm, spiritually mature and fully assured in all the will of God. Epaphras ki prarthana kya hai? Aap parmeshwar ki siddh ichha ko jane aur us siddh ichha par sthir ho jaye aur aap spiritually mature, आत्मिक जीवन में परिपक्व हो जाए, आत्मिक जीवन में आप परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर हो जाए और आप परिपक्व हो जाए, ताकि हम सिद्ध हो जाए। एक बाइबल का एक मुख्य सब्जेक्ट है कि हम मसीह में सिद्ध होना है, एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में हमें पहुंचना है। और हमारी इच्छा नहीं, संसार की इच्छा नहीं, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को, परमेश्वर की उस परफेक्ट विल को हम जाने और उस इच्छा पर हम स्थिर हो जाए, कहीं और जाकर हम स्थिर ना हो जाए, परमेश्वर की इच्छा पर, जहां पर प्रभु चाहते हैं, जैसा प्रभु चाहता है, जो प्रभु चाहता है, उस प्रभु की इच्छा पर हम स्थिर हो जाए। हम किसी गलत डिसीजन में, गलत जहां में, गलत बातों में स्थिर ना हो जाए। हो सकता है हमारे नजर में अच्छा हो, लेकिन परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार हमें स्थिर होना है और परमेश्वर में हमें एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आत्मिक परिपक्वता में, एक सिद्धता में हमें पहुंचना है। ये एपफ्रास की प्रार्थना था कुलुसियों की, कुलुसी का कलीसिया के लिए। हमें प्रार्थना करें, प्रभु हम प्रभु में सिद्ध होने पाए और आपकी सिद्ध इच्छा को, आपकी परिपूर्ण, आपकी आपकी इच्छा पर हम स्थिर हो जाए, आपकी इच्छा पर स्थिर हो जाए। ये हमारा भी प्रार्थना होने पाए, ताकि वहां पर परमेश्वर की सारे आशीषें हमारे लिए उपलब्ध है, परमेश्वर की सारे सुरक्षाएं, सारे वायदाएं हमारे उपलब्ध है, जब हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पर स्थिर हो जाते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू, शालोम।